हाँ गाइस, अब बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। नाउ व्हाट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बच्चों? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब होता है ऐसी प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करें। ये प्रॉपर्टीज आपके सॉल्यूट के पार्टिकल्स के ऊपर या उसके मोल्स के ऊपर डिपेंड करती है, दैट इज कॉल्ड एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जैसा मैंने आपसे कहा था, लेट से आपके पास में एक चेंबर में वाटर है, तो अभी वाटर की जो चेंबर में जो वाटर है उसमें अभी सिर्फ वाटर है, सॉल्यूट का एक दाना भी नहीं है। तो उस सॉल्यूशन, उस लिक्विड यानी उस वाटर की पूरी सरफेस पर सारे पार्टिकल्स किसके हैं? सिर्फ वाटर के। तो आप मान सकते हो कि जब वाटर अपने प्योर फॉर्म में है, सरफेस एरिया ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा है मतलब ज्यादा वेपर बनेंगे, और ज्यादा वेपर बनेंगे तो ज्यादा वेपर प्रेशर बनेगा। क्या ये बात समझे? फिर रिपीट करूं, यही चीज यहां इसमें भी पढ़ी थी अपन ने कि जब कोई सॉल्यूट या जब कोई सॉल्वेंट अपने प्योर फॉर्म में होता है, यानी उसके अंदर कोई और सब्सटेंस मिक्स नहीं होती, जब वो प्योर सॉल्यूट या प्योर सॉल्वेंट होता है, तो उसकी पूरी सरफेस पर उसी के पार्टिकल्स होते हैं। एंड जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, यानी जितने ज़्यादा सरफेस पर पार्टिकल होंगे उतने ज़्यादा उसके वेपर्स बनेंगे, और जितना ज़्यादा उसके वेपर्स बनेंगे उतना ज़्यादा वो वेपर प्रेशर लगाएंगे। तो जब पानी प्योर फॉर्म में होगा वेपर प्रेशर उसका ज़्यादा होगा। अब मान लो मैंने इस पानी के अंदर सॉल्ट मिला दिया, NaCl, नमक, जो कि नॉन वोलेटाइल भी है, विच इज़ नॉन वोलेटाइल यानी उसके भाप नहीं बनेगी, लेकिन सॉल्यूशन तो है। अब उस नमक के सॉल्यूशन के अंदर जो अभी पानी की सरफेस पर सिर्फ पानी था, अब पानी की जगह कुछ NaCl के पार्टिकल्स भी आ जाएंगे। भाई अब तो सॉल्यूशन बन गया ना, तो सॉल्यूशन तो दोनों को बराबर चांस देगा, तो सरफेस पर आपको NaCl भी मिलेगा और वाटर भी मिलेगा। अब एक बार बताओ, जब वाटर प्योर फॉर्म में था तब उसकी सरफेस पर सारे पानी के मॉलिक्यूल्स थे, लेकिन अब जब वो सॉल्यूशन में बदल गया तो क्या इस सॉल्यूशन की सरफेस पर सारे पार्टिकल्स पानी के होंगे? जी नहीं, अब पानी के पार्टिकल्स कम हो चुके हैं, कम हो गए हैं। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी आ गए हैं, नमक के पार्टिकल्स भी आ गए। तब इन दोनों केसेस में ज़्यादा पानी के वेपर्स किस में बनेंगे? इसमें कि इसमें? ऑब्वियसली इसमें। क्यों? क्योंकि इसमें प्योर पानी था, सरफेस एरिया ज़्यादा था, लेकिन इसमें पानी का सरफेस एरिया कम हो गया क्योंकि सरफेस पर नमक के पार्टिकल्स आ गए। तो अब इसके नंबर ऑफ वेपर्स पानी के कम बनेंगे, NaCl के तो बनेंगे नहीं, तो अब वेपर कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी कम लगेगा। एंड दिस इज कॉल्ड एज रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। प्योर सॉल्वेंट के मुकाबले सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? P1 naught। अब हम लोग सब जानते हैं ये जो P1 naught है ये क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कॉम्पोनेंट। अभी अगर सॉल्यूट का होगा तो सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का होगा तो सॉल्वेंट का। यूजुअली यहाँ पर हम इसको सॉल्वेंट का ही मानेंगे, ऑब्वियसली, क्योंकि आप सॉल्वेंट का ही चेक कर रहे हो, सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है। तो दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब क्या? जिसमें NaCl के पार्टिकल्स आ गए हैं, डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज इक्वल टू W2। यानी हम लोग यहाँ पर मोलारिटी में ऑलरेडी समझ चुके हैं, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन गिवन अपन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्वेंट अपॉन गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो W2 क्या है? सॉल्यूट। W1 क्या है? सॉल्वेंट। सॉल्यूट का गिवन मास अपॉन सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट का गिवन मास। डेल्टा टी बी इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है जब आप वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को चेक करोगे और आप पानी के अंदर नमक मिलाकर उसके बॉइलिंग पॉइंट को चेक करोगे, तो आप देखोगे कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है। सो दैट इज कॉल्ड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसका फॉर्मूला क्या है? डेल्टा टी बी इज इक्वल टू KB, विच इज कॉल्ड एज इबुलोस्कोपिक कॉन्स्टेंट या मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई बाय मोलालिटी। वाई वी हैव टेकन मोलालिटी? मोलालिटी क्यों ली? क्योंकि मोलालिटी के अंदर हम लोग गिवन मास ऑफ सॉल्यूट की बात करते हैं। सॉरी, ये सॉल्यूट नहीं होगा बच्चों, ये सॉल्वेंट होगा, है ना? इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ये फर्स्ट वीडियो में अपन ने इसको सॉल्वेंट बोल सॉल्यूट बोल दिया होगा। अच्छा नहीं, ये तो इसका गिवन मास ऑफ सॉल्यूट है। ठीक है, छोड़ो, इसको हटाएंगे।
दो मिनट के लिए, और इसको यहां पर समझेंगे। ये W1 क्या है? गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां पर हम लोग सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, इसलिए यहां पर हम लोग मोलैलिटी लेते हैं, मोलैलिटी नहीं लेंगे। टीबी कैसे निकालेंगे? डेल्टा टीबी, टीबी माइनस टीबी नॉट। व्हाट इज टीबी? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन से कम होगा, इसलिए डेल्टा टीएफ दैट इज कॉल्ड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब अगर आपका प्योर सॉल्वेंट अगर 0 डिग्री पर फ्रीज हो रहा है, तो जब आप उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स मिला दोगे या कोई सॉल्यूट मिला दोगे, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 से भी कम हो जाएगा, -1, -2, -3। भैया कुल्फी वाले बहुत यूज करते हैं, ये कुल्फी वेंडर बहुत यूज करते हैं, क्योंकि कुल्फी जो होती है, कुल्फी का फ्रीजिंग पॉइंट -2 डिग्री होता है, लेकिन जो बर्फ होती है वो तो 0 डिग्री पर फ्रीज हो जाती है। तो फिर ये कुल्फी वाले ठेले पर लेकर कुल्फी कैसे बेचते हैं? ये क्या करते हैं, कुल्फी की जो, जब आप कुल्फी खाते हो इन ठेले वालों से लेके, थोड़ा सा नमक नमक का टेस्ट आता है कुल्फी में, क्योंकि वो जो बर्फ होती है वो बर्फ प्योर वाटर की नहीं होती, वो खारे पानी की बर्फ होती है, यानी पानी के अंदर नमक मिला के उसको फ्रीज करते हैं। तो पानी अब 0 डिग्री पर वो बर्फ ना फ्रीज होते हुए -3, -4 यानी सब 0 टेम्परेचर पर फ्रीज होती है, और उनका माइनस में टेम्परेचर होने की वजह से वो कुल्फी को फ्रीज कर देती है। तो के एफ मल्टीप्लाई बाई एम दैट इज कॉल्ड एज क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट या मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टेंट। डेल्टा टी एफ कैसे निकालेंगे? एफ नॉट, टी एफ नॉट माइनस टी एफ। वॉट इज टी एफ नॉट? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, क्योंकि अब यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है, सॉल्यूशन का तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। तीसरा इज ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब इज द प्रेशर अप्लाइड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए हम लोग जो प्रेशर लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। अब एक बात ध्यान रखना, इसके साथ साथ, इसके फॉर्मूले के साथ साथ, एक बार आप लोगों को आइसोटॉनिक, हाइपरटॉनिक एंड हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन जरूर एक बार पढ़ लेना, ठीक है? उस पर क्वेश्चन आता है, और वो अंडे वाला क्वेश्चन आता है कि अंडे को बिना तोड़े बॉटल के अंदर डालना है तो कैसे डालेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वेंट ऑफ फैक्टर, बेटा वेंट ऑफ फैक्टर का ये केस था, वेंट ऑफ ने हमें एक बात बताई कि जब कभी भी आपको इस सॉल्यूशन के अंदर एक सॉल्यूट डालते हो, मतलब एक सॉल्वेंट के अंदर आपने एक सॉल्यूट डाला, फॉर एग्जांपल आपने NaCl डाला, तो आप जो कैलकुलेशन कर रहे हो, आप फॉर एग्जांपल 1 मोल NaCl डाला, तो आप जो कैलकुलेशन कर रहे हो वो 1 मोल NaCl के अंदर कर रहे हो, लेकिन जब वो NaCl सॉल्वेंट के अंदर जाता है, पानी के अंदर जाता है, तो वो डिसोसिएट हो जाता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर। तो अब उस सॉल्यूशन के अंदर टोटल दो चीजें काम कर रही है, 1 मोल Na पॉजिटिव, 1 मोल Cl नेगेटिव, तो टोटल सॉल्यूट के पार्टिकल अंदर कितने हो गए? 2 मोल्स, 1 मोल Na, 1 मोल Cl। तो रियलिटी में जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आ रही है, जो एक्सपेरिमेंटली पार्टिकल्स की वजह से जो वैल्यू आ रही है, वो 2 मोल्स के लिए आ रही है, और आप कैलकुलेट किसके लिए कर रहे हो? 1 मोल के लिए। तो डिसोसिएशन काम करता है, इसलिए हमेशा जो आपकी थियोरेटिकल या जो कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, वो एक्सपेरिमेंटल से अलग आती है। सेम केस एसोसिएशन में होता है, कभी कभी आप क्या करते हो, 2 मोल कोई सब्सटेंस डालते हो, लेकिन वो पानी में जाके हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर 1 हो जाता है, तो आप कैलकुलेट कर रहे हो 1 के लिए और अंदर वैल्यू आ रही है 1/2 के लिए, दैट इज एसोसिएशन। तो वेंट ऑफ फैक्टर निकालने का सिंपल तरीका है, आई इज इक्वल टू नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, यानी जो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है, मतलब जो आपका थियोरेटिकल है, अपॉन ऑब्जर्व्ड। एंड अगर आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में बात करना है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए आ जाएगा ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड। यहाँ पर ये दोनों फॉर्मूले एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं, कारण समझो। यहाँ पर एक बात देखो, यहाँ पर जो आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो है पाई, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है पाई, लेकिन मॉलिक्यूलर मास M2, यानी देखो ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो अगर मॉलिक्यूलर मास में नॉर्मल ऊपर है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में नॉर्मल नीचे आ जाएगा, ऑब्जर्व यानी कि आपका ये एबनॉर्मल हो जाएगा और यहां पर नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है? तो गाइज यहां पर अपना ये चैप्टर का रिवीजन खत्म होता है। प्लीज एक बार रिवीजन देखना, एक बार एनसीईआरटी पढ़ना, जितने इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, जितने एग्जाम्पल्स है, सब करना, PYQs करना, डेफिनेटली सॉल्यूशन में आप फुल मार्क्स लेकर आओगे। यहां पर इस टॉपिक को खत्म करते हैं, ऑल द बेस्ट फॉर द सॉल्यूशंस, अगली बार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिस्कस करेंगे। बाय बाय एवरीबॉडी।